तो गाइज देख लीजिए, यहाँ पर मेरे यहाँ सिर्फ एक ही ये गुलाब का फूल खिला हुआ है। ये तो मैं अभी इसको तोड़ लूँगी क्योंकि मुझे बनाना है तुलसी मैया के लिए माला। आ मम्मी काटा लग गया इसके पेड़ से काटा चुभ गया मुझे। तो ये देख लीजिए मेरी तुलसी मैया ना अभी बहुत छोटी हैं, ये भी न्यू पौधा है। बस यही दो फूल मिले थे चाहे यही दो फूल मिले थे और कुछ नहीं मिला था? नहीं, पीला उला कलर नहीं मिला, कट गया था सब। पीछे लगे थे आपने? चलो कुछ अच्छा, कुछ फूल अपने में भी है, कलर तो मिल ही जाएंगे। तो गाइज ये देख लीजिए, दीपावली की रंगोली ना मेरे शिवानी बनाई थी, बगल में रहती हैं, और इस बार की रंगोली चाहत बना रही है और अन्नू बना रही है, ये भी यहीं पे रहती है, चाहत की फ्रेंड है। और साथ में मैं भी कुछ ना कुछ सोच रहे हैं कि चलो कुछ ना कुछ तो कलर कर ही देते हैं इसमें। और हाँ हाँ आना भी बना रहा, आना भी, हाँ आना हाँ बनाओ 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 एक सेकंड सुन, ये देखिए यहाँ पे आना बना रहा सारे कलर डाल के बना दी। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? परी है, मेरी अंगूरी रंग ले आई। अच्छी बनाना तो गाइज यहाँ पर मैं लगा रही हूँ आलता। तो आलता लगाने से पहले सुहागन औरतों को ना हल्दी लगाना चाहिए पैर में, तो मैं पहले हल्दी लगा ली हूँ और अब इसके बाद आलता लगाऊंगी। और मुझे आलता लगाने का वैसे सच बताऊँ तो बिल्कुल याद नहीं था, बट चाहत मुझे कल से लगी हुई थी, मम्मा आलता लगाना है, आलता खोल दो। तो फिर मैं आलता फिर दूसरे दिन भी बोलने लगी मुझे आलता लगाना है। जब मैं तैयार हो रही थी तब मुझे याद आया चाहा कोई भी पूजा पाठ करना हो तो उसके पहले आलता लगाना चाहिए। तो अच्छा हुआ चाहत याद दिला दी, तो मैं भी अपने पैरों में आलता लगा ली। और देख लीजिए वो अपने पैर में कितने अच्छे से आलता लगाई है। 2, 3, 6, 9, 10, 11। तो गाइज यहाँ पर मैं दिए गिन रही थी क्योंकि एकादशी के दिन 11 दिए जलाते हैं, 11 को 11 दिए जलाए जाते हैं, तो इसलिए मैं दिए गिन के जला रही थी। पूरे घर में रख दूंगी जहां जहां दीपक रखना है, और इसके बाद फिर पूजा की तैयारी में अभी बहुत टाइम है। वीर भी ऑफिस से आ गए हैं तो अभी तैयार हो रहे हैं, तो वीर भी तैयार हो जाए इसके बाद फिर पूजा की तैयारी, अभी यहां पे भी पूजा करना है, फिर तुलसी माता का भी पूजा करना है, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो दीपक जला देती हूँ क्योंकि दीपक का टाइम तो संजीवाती का टाइम होता है ना, मतलब शाम के टाइम जल्दी है। तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पर माता रानी को दिए रखूँगी और इसके बाद किचन में और बाकी रूम में रखने के बाद, और फिर मैं आ गई हूँ बाहर दिया रखने के लिए, और वीर चले जाएंगे मंदिर में दिया लगाने। और इसके बाद हमारे यहाँ ना हर बार जो कूड़ादान होता है जहाँ कचरा फेंकते हैं, तो वहाँ भी मतलब चाहे धनतेरस हो, दीपावली हो, या तो फिर ये एकादशी हो, इसको हम लोग डिठोन भी बोलते हैं, तो फिर कूड़ेदान में भी हमारे यहाँ चार बत्ती वाले दिए रखते हैं, तो फिर वहाँ भी रखने जाएंगे। तो गाइस चलिए प्रसाद भी लगा लेती हूँ मैं भगवान के लिए। तो यहाँ पर मैं ले ली हूँ लड्डू, अनार, सेब और केला और नारियल भी है। और चलिए ये दिखाती हूँ, ये क्या है, कितना प्यारा लग रहा है ना ये तो इसके अंदर है अमरूद, ये दिखाती हूँ, ये देखिए, तो ये देखिए कितनी अच्छी अमरूद है ना वो तो ये सब मैं प्रसाद के लिए। इस वाला भी चूरा वगैरह नहीं लेके आए हो?
और इधर वीर पूजा की तैयारी में लगे हुए हैं। चौक पूरे रंगोली वाला कलर, रंगोली वाला कलर चाहिए, वो तो हो गया, रंगोली बनी है नीचे, हल्दी बस से कर दो, टिक दो अभी। तो गाइज यहाँ पर मैं और वीर तुलसी जी की पूजा कर रहे हैं। तो आज तुलसी विवाह होता है, बट हमारे यहाँ हमारे मायके और ससुराल साइड नॉर्मल पूजा होती है तुलसी माता की, और सिंगार जो सिंगार होता है वो सब चढ़ा दिया जाता है बस। और यहाँ तो बाकायदे पूरा मंडप बनता है, और गन्ना ग्यारस की जो भी पूजा होती है मेरे अगल बगल सबके यहाँ हो रही है, बट हमारे यहाँ नहीं होता था तो मैं नहीं कर रही हूँ। कुछ नया नहीं शुरू करना चाहती थी मैं, जितना होता है हमारे यहाँ बस मैं उतना ही करना चाहती थी। तो बस मेरा मैं और वीर नॉर्मल पूजा कर ले रहे हैं जितना तुलसी मैया का मतलब हमारे यहाँ होता है। तो गाइस यहाँ पर देख लीजिए, अच्छी लाइट ना होने के कारण वीडियो अच्छी नहीं बन पाई है पूजा की, तो इसको थोड़ा इग्नोर करिएगा। वो दिशा के कारण मतलब जिस दिशा में बैठ के पूजा करना था ऐसे बैठ गए, तो वो चेहरे पे प्रकाश नहीं पड़ रहा है। तो गाइस मेरी जो तुलसी मैया है ना, ये बहुत ही छोटी सी है अभी। कुछ रिपोर्ट मत कर देना भाई, अभी ये बालिका है। किसी को लगे ना बाल विवाह कर रहे हम लोग। जय तुलसी माता। बाल विवाह हो रहा है। जय तुलसी। माँ ही पढ़ना पड़ेगा। हम खोल लेंगे। हैं हम माँ खुश हैं ना? कहीं? माँ ना किस विवाह? नहीं वहीं चले जाएंगे। चाहत को तो टेंशन हो रही है कि पटाखे कहाँ जलाएंगे, सबकी गाड़ियाँ अभी बाहर खड़ी हुई हैं, सोच रही है पटाखे कहाँ जलाएंगे। अब पूजा हो जाने दो, अभी अंदर लक्ष्मी मैया की भी पूजा कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है, है ना? कहीं भी फोड़ लो, इधर फोड़ लो। हाँ इधर बहुत जगह है, कहीं भी फोड़ लेंगे, कहाँ फोड़ेंगे। चलो अंदर की पूजा करने चले। कौन सा अंदर? तो गाइज अभी हम लोग आ गए हैं अंदर वाले भगवान जी और माता रानी की पूजा करने के लिए, तो हम लोग चलिए कर लेते हैं ये माता रानी की पूजा। तो गाइस पूजा करने के बाद क्या हम लोग हाथ में जला के रखने के लिए, और इसके बाद जाएंगे, तो अभी हमको डिनर बनाना भी है और फिर डिनर करना है। जल्दी करो, छुप के छुप के देख रहा है। चाहत को नहीं अच्छी लग रही, कहती है कि मुझे नहीं अच्छी लग रही, अंदर छुप के वो खड़ा है। तुम भी जला लो एक ठो। अरे मेरे को मैं नहीं जलाने वाला। ले लो एक ठो, वहां से उठाओ अनार, यहाँ से सुनो। हाँ यहाँ से क्या लोगे? अनार जलाओगे? चलो चलो हम भी चलते हैं, चलो चलो तो डर के सिपक गया। देखो देखो दीदी जला रही है, देखो दीदी जला रही है। डरता है, इतना डरता है ये। पूजा करने के बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए पटाखे वगैरह जलाए, क्योंकि चाहत बहुत परेशान करती है, उसको तो मतलब दीपावली का इंतजार रहता है, दीपावली हो या पटाखे के नाम पे जो जल्द करना हो। तो मतलब आज ग्यारस है ना, तो ग्यारस में भी मतलब ये पटाखे वटाखे जलाते हैं, तो उसको ये था कि मम्मा चलो जल्दी पूजा करना मुश्किल कर देती है। तो हम लोग ना अभी पटाखे, मैं तो थोड़ा सा देख के चली आई हूँ, मैं आज नहीं जलाई हूँ क्योंकि टाइम नहीं है, अभी मुझे खाना बनाना है,
और वीर चाहत जला रहे हैं पटाखे। तो इधर मेरी बन गई है चाय और इधर दूध पक रहा है, तो देखती हूँ हो सकता है तो कुछ बनाऊंगी, मतलब खीर बनाऊंगी। तो गाइज यहाँ पर मैं मखाने की खीर बना रही हूँ, तो इसके लिए मैं कढ़ाई में पहले देसी घी डाल दी हूँ और इसके बाद में मखाने को अच्छी तरह से भून लूँगी। सो गाइज मैं बना रही हूँ मखाने की खीर, तो ये देखिए मखाना हमारा अच्छी तरह से ये भून गया है, तो ये ऐसे दबाने पे फूट रहा है। तो अब मैं बस इसको ना निकाल के ठंडा कर लूँगी और फिर मिक्सर जार में इसको पीसूँगी, मतलब बहुत बारीक नहीं पीसना है अभी। चलिए मैं पीस के दिखाती हूँ, हल्का दरदरा करना है। वैसे तो मैं पेपर में रख करके और बेलन से मसल देती हूँ तो वो हो जाता है, बट इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है और मुझे टाइम ज़्यादा नहीं है तो मैं जार में डाल के कर दूँगी। सो गाइस ये देख लीजिए, ये मैंने मखाने को ना भुनने के बाद और मिक्सर से पीसी हूँ, तो थोड़ा मुझे ऐसे लगता है कि ज़्यादा बारीक हो गई है, बट कोई नहीं, ये देख लीजिए। और इधर हमारा दूध भी उबलने लगा है, तो अब मैं बस दूध में मिक्स कर दूँगी और उबाल दूँगी। सो गाइज यहाँ पर मैं अब ले ली हूँ कुछ ड्राई फ्रूट्स, तो ये बादाम है, काजू है और ये चिरौंजी के दाने हैं। तो चलिए फिर अब इसको भी मिक्स कर देती हूँ। खीर बनके गाढ़ी होने लगी है, तो अब और इधर बन रही है मेरी आलू की सब्जी। सो गाइज ये देख लीजिए मेरी मखाने की खीर बनकर तैयार है, तो बस अब मैं इसमें मिला दूंगी शक्कर। इधर देखिए मेरी आलू और टमाटर की सब्जी भी बनकर तैयार है, तो अब मैं इसमें मिला दूंगी धनिया की पत्ती। तो चलिए अब सेक लेती हूँ जल्दी से पूड़ियाँ। तो गाइज यहाँ पर मैं बना रही हूँ मेथी की पूड़ी, तो मैं सुबह ही आटा गूंथ ली थी मेथी की पूड़ी के लिए, नाश्ता में बनाई थी मेथी की पूड़ी और चटनी, तो आटा तो मेरा पहले का ही गूंथा था। और चाहत और आनव के लिए मैं कुछ सिंपल पूड़ियाँ बना दी थी क्योंकि वो मेथी की पूड़ी नहीं खाते हैं, तो अभी पूड़ी रखी भी है और देखती हूँ अगर खा लेंगे ये वाली तो ठीक है, नहीं तो फिर पूड़ी तो इनके लिए रखी है, तो बस थोड़ी सी ही बनाना है अभी। तो ये है टमाटर की चटनी भी है,
तो आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म पूरी सब्जी खीर चाट। बैठ गई हो खाना खाने? मेथी की पूरी है, चाट बहुत मुश्किल है कि खाएगी, देखकर देखते हैं। सो गाइस चलिए अपना खाना लगाने से पहले मैं करती हूँ यहीं पर वीडियो का एंड। सो गाइस आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। जो लोग चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ, बाय बाय।